Hello, Vachyo. Let's see this question. The question says test tube baby means a baby born when options are it is developed in the test tube, it is developed through the tissue culture method, the ovum is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus and it develops from a non fertilized egg. So, the key concept here is in vitro fertilization. यानी so, इन-विट्रो का मतलब होता है विद इन दैब कंडीशन यानी टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में होगी फर्टिलाइजेशन जिसकी वजह से बन जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी सो so, प्रोसीजर में सबसे पहले फीमेल को फर्टिलिटी हॉर्मोन्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से सुपर ओविलेशन हो जाती है यानी पे मल्टीपल ओवा प्रोड्यूस होंगे विद इन द फीमेल दूसरी तरफ मेल से स्पर्म की कलेक्शन कर ली जाती है इन फॉर्म ऑफ स्पर्म सैंपल अब फीमेल से ओवम एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहां स्पर्म सैंपल से स्पर्म लेंगे और इन दोनों को डाल देंगे विद इन ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में इनके फ्यूजन करवाएंगे यानी फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से अल्टीमेटली बन जाएगा Zygote. अब ये जाइगोट जब डिवीज़न करके टू टू एट सेल्ड हो जाता है तब इसे ट्रांसफर कर देंगे विदिन दी फेलोपियन ट्यूब और इसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी जिफ्ट दूसरी तरफ अगर सेल्स का काउंट ज्यादा हो जाता है यानी मोर देन एट सेल्स तो उसके इसमें उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है विद इन द यूटरस और इसे कहते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर यानी आई यू टी सो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में पूछा है टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न वहन फर्स्ट ऑप्शन है इट इज डेवलप्ड इन दस्ट ट्यूब तो कंप्लीट बेबी की फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती टेस्ट ट्यूब में क्ट तो हो जाएगा और उनका कल्चर करवाते हैं पार्ट या फिर कंप्लीट ऑर्गन की फॉर्मेशन करवाते हैं सो so, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा नाउ दर्ड ऑप्शन इज दर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देर आफ्टर इम्प्लांटेड इन दूट्रस तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन होते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में और उसके बाद उसकी इम्प्लांटेशन कर देते हैं यूट्रस में जिसे हम कहते हैं आई यूटी फ्रॉम नॉन फर्टिलाइज्ड एग तो ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग ही जो है वो ट्यूब बेबी की फॉर्मेशन करता है सो द फाइनल सी दैट इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन अंडरस्टूड इट वेल Best of luck!